अमृतपाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब के जालंधर से पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी भी मिल पा रही है कि पूरे पंजाब में फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो जानकारी है कि जालंधर से अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह के साथ साथ उसके 6 और करीबियों को हिरासत में लिया गया है। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिल रही है, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अमृतपाल को जो है फिलहाल जो है नकोदर में जो है हिरासत में ले लिया है पंजाब पुलिस द्वारा, लेकिन अभी तक जो है पंजाब पुलिस की तरफ से जो है इसका ऑफिशियल बयान जो है वो नहीं आया है। लेकिन जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अमृतपाल को फिलहाल जो है हिरासत में ले लिया है, और उसके साथ जो है कुछ जो अमृतपाल के जो साथी थे फिलहाल उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, और लगभग जो है सुबह भी 6 जो अमृतपाल के साथी थे उन्हें पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके बाद जो था वो अमृतपाल जो थे वहां से गाड़ी में जो थे वो एक नाके के दौरान जो थे वहां से भागे थे, लेकिन उसके बाद काफी जद्दोजहद करने के बाद 2 से 3 घंटे जो है पंजाब पुलिस जो है अमृतपाल का पीछा करती रही। उसके बाद अमृतपाल को जो है नकोदर में जो है वो एक जगह पर जो है पंजाब पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है, और अभी फिलहाल जो है बता दें कि जब अमृतपाल को जो पंजाब पुलिस थी जो हिरासत में लेने जा रही थी, तो पुलिस की और अमृतपाल के जो समर्थक थे उनकी गाड़ियों की भी आपस में जो है टकराव हुई है, और आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है पुलिस की और बिल्कुल आप नजर बनाए रखेगा। लेकिन बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही मिल पा रही है कि फिलहाल अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया गया है, उनके 6 साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें। तो पंजाब में अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। जी, और इसीलिए गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है। तो अमृतपाल सिंह और उसके 6 साथियों को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। इंटरनेट सेवा जो है रविवार तक के लिए बंद कर दी गई है ताकि हालात ना बिगड़े। तो दूसरी तरफ पंजाब के हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी बातचीत पंजाब सरकार से की गई है, पूरी नजर केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई है कि वहां पर स्थिति जो है जल्द से जल्द काबू में आ सके। फिलहाल जो है हिरासत में लेकर आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो है वो भी नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया गया था उस वक्त पंजाब में क्या स्थिति बनी थी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वारिस पंजाब के जो प्रमुख हैं अमृतपाल, जब से वो इंडिया आए हैं जब से लगातार पंजाब में माहौल खराब हो रहा है। कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सेंट्रल एजेंसी को आईबी को इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है उनको मिल रहे थे, दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे कि वारिस पंजाब और अमृतपाल जो खालिस्तानी समर्थक है वो पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, जिस तरह से अभी हाल में पिछली घटना हुई थी उनका जो एक एसोसिएट था उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। तो आज पंजाब पुलिस ने अब अमृतपाल और उनके साथियों को दबोच लिया है। कुछ देर के बाद ऑफिशियली तौर पर जो एक्शन लिया गया अमृतपाल के खिलाफ उसकी अनाउंसमेंट जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से की जाएगी, और इस वक्त चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में, जो चंडीगढ़ में जो पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर है वहां पे तमाम बड़े अधिकारी जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें एडीजीपी जो अर्पित शुक्ला है वो उनके साथ है, कई रेंज के जो आईजी हैं उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि गृह मंत्रालय के साथ पंजाब पुलिस और पंजाब के तमाम बड़े अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में हैं। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है कि अगर पंजाब के हालात बिगड़ने की स्थिति नजर आती है तो दिल्ली से पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां हैं या अलग अलग और स्टेट से वहां से वो पंजाब के लिए भेजे जाएं ताकि लॉ ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, क्योंकि हमने देखा कि काफी टाइम से चंडीगढ़ के मोहाली में कई खालिस्तानी समर्थक जो है वो सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं, उनके पास कई तरह के हथियार थे और उसके बाद कई लोगों की उसमें गिरफ्तारी की गई, कई तरह के फोटो सामने आए थे, वो लोग भी वापस सड़कों पर आने के लिए उतावले हो रहे हैं, जिनको लेकर लॉ ऑर्डर सिचुएशन को वहां कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद
पंजाब में माहौल खराब हो सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं क्योंकि अमृतपाल की काफी फैन फॉलोइंग है और उसके समर्थक सड़कों पे आके लॉ ऑर्डर सिचुएशन खराब ना करें। उसको देखते हुए चंडीगढ़ में एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, वहां के तमाम बड़े अधिकारी दिल्ली बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और प्राथमिकता भी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की यही है कि किसी भी स्थिति में हालात जो है खराब ना हो, काबू में रहे। लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा था जब तूफान जो कि अमृतपाल सिंह का बेहद करीबी था उसे गिरफ्तार किया गया तो समर्थकों का हुजूम जो है सड़कों पर दिखाई दिया जिसके बाद रिहाई करनी पड़ी। ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए सबसे बड़ा कदम क्या कुछ उठाया गया है प्रशासन और सरकार की तरफ से? जी देखिए, तमाम पंजाब के जितने भी शहर हैं, जिले हैं, चाहे जालंधर की बात की जाए या मोगा जहां से अमृतपाल आते हैं, वहां पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। जितने भी अमृतपाल के चिन्हित ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब कर सकते हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर पहले से रडार पे थे जो लोग, उनको वॉच किया जा रहा है। जो कई तरह के जो और एंटी सोशल एलिमेंट्स या जो गैंगस्टर हैं उन पे भी नजर रखी जा रही है कि उनकी आड़ में कहीं पंजाब का माहौल खराब ना किया जाए। और न्यूज 18 इंडिया ने कई मौकों पर इंटेलिजेंस इनपुट के कागजों से खुलासा किया था कि अमृतपाल जो वारिस पंजाब के प्रमुख है वो जब से भारत आए हैं और पंजाब में वो लगातार मौजूद हैं, उनकी जितनी भी रैलियां होती हैं, जितने भी उनके समागम हो रहे हैं वहां पर वो जिस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं या जो यूथ है उसे भड़काने की कोशिश करते हैं उसको लेकर उनपे पैनी नजर रखने की बात की गई थी। एक हाल में ही अलर्ट आया था जिसमें उन्होंने जो ईसाई धर्म से जुड़े जो बड़े लोग हैं, मिशनरी जुड़े, उनको टारगेट करने की बात की थी और उसको देखते हुए लगातार जो है वो अब अमृतपाल की जैसे ही ऑफिशियली अरेस्टिंग की जो सूचना पंजाब पुलिस मीडिया को शेयर करेगी उसके बाद देखना होगा कि किस तरह के हालात। जाहिर तौर पर पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी है और बड़ा एक्शन यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से लिया गया है। आपके पास हम आएंगे आनंद, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल सिंह के गांव में फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ और पुलिस की कई टीमें पूरे गांव में तैनात कर दी गई हैं। तो फोर्सेस के साथ साथ पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। गृह मंत्रालय खुद इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद तिवारी का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। आनंद तिवारी, देखिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है क्योंकि कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से समर्थकों का जो जमावड़ा है सड़कों पर नजर ना आए, क्योंकि कोशिश यही होगी कि प्रशासन और सरकार पर प्रेशर किसी भी तरीके से बनाया जाए। जी देखिए बिल्कुल रितिका, जिस तरह से हमने अभी बीच में देखा था कुछ महीने पहले जब अमृतसर में एक हिंदू लीडर की हत्या कर दी गई थी, जो धरने पे बैठे थे एक मंदिर के बाहर बेअब्दी के मामले में, जो मूर्तियां थी हिंदू धर्म की, उस मामले में सीधे तौर पे अमृतपाल का नाम सामने आया था। जो एक आरोपी था जिसने गोली चलाई थी वो वारिस पंजाब के पोस्टर उसकी गाड़ी से मिले थे और उस दौरान भी लगातार अमृतसर में कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात बने थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने एहतियातन जो मोगा जहां पर की अमृतपाल का पैतृक घर है वहां पर उन्हें नजरबंद करके रखा था करीबन 2 दिन से ज्यादा। तो लगातार अमृतपाल को लेकर कई तरह के जो इनपुट है वो सेंट्रल एजेंसीज को मिल रहे थे और अमृतपाल लगातार पंजाब के लिए एक बड़ी टेंशन बने हुए थे क्योंकि आईबी और जो सेंट्रल एजेंसीज के जो इनपुट थे, जो मैट की कई तरह की जो मीटिंग होती थी उसमें जो रिपोर्ट सामने आती थी उसमें लगातार ये बताया जाता था कि अमृतपाल जो है खालिस्तानी समर्थक जो है वो लोगों को भड़काने का काम पंजाब में कर रहे हैं, उन्हें हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं और एक तरीके से वो पंजाब में कई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं जिससे कि पंजाब का माहौल खराब हो। और हमने पिछली बार देखा जब उनके एक खास सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो किस तरह से थाने पे काफी हंगामा हुआ था और उसके बाद पुलिस दबाव में आई, पुलिस को उनके जो बेहद करीबी साथी थे उन्हें छोड़ना पड़ा और कई तरह से जो उनके समर्थक थे वो पंजाब में अलग अलग जिलों में जो है वो सड़कों पे आ गए थे। तो अब सबसे बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के लिए यह है कि अमृतपाल की ऑफिशियली गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही दी जाएगी उसके बाद पंजाब में माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए पंजाब में कानून व्यवस्था बनी रहे यही सुनिश्चित करना है। और यही वजह है कि पंजाब पुलिस जो है लगातार संपर्क में भी है केंद्र के और पूरे गांव को जहां पर अमृतपाल सिंह रहते हैं उस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए शिकंजा पूरी तरह कसा जा रहा है। आनंद आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूरे पंजाब में अलर्ट भी कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं कल तक के लिए बाधित कर दी गई हैं। साथ ही अमृतपाल सिंह के गांव में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो इसके साथ ही केंद्र सरकार की पंजाब के हालात पर नजर बनी हुई है। ये 3 तस्वीर आप देखिए, अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और कोशिश यही है कि पंजाब के हालात जो है बिगड़े नहीं, काबू में रहे। और इसी वजह से 3 मामले जो दर्ज है अमृतपाल सिंह पर उसी को लेकर अब पूछताछ की जा सकती है।
बिल्कुल देखिए आनंद, जिस तरीके से फिलहाल केंद्र सरकार की भी पूरी नजर बनी हुई है और ऑफिशियली अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन चाहता है कि पंजाब का माहौल खराब ना हो, लेकिन चैलेंज जरूर है यहाँ पर कानून व्यवस्था को किस तरीके से पंजाब में सुनिश्चित रखना है। देखिए पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया एक पोस्ट भी जो है वो जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जो लोग हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और पंजाब में कोई भी तरह से एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर लिखा गया है कि रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक तरीके से पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो पंजाब पुलिस लगातार अभी दावा कर रही है कि अमृतपाल को जिस तरह से डिटेन किया गया है, उसके साथियों की गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद फिलहाल पंजाब में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त है। भारी संख्या में जो फोर्स है वो जगह जगह तैनात की गई है, जहां पर कि अमृतपाल अभी जिस जगह रखे गए हैं वहां पर भी भारी फोर्स तैनात की गई है। उनके जो पैतृक गांव है, घर है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की कई टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल आनंद, नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती है कि पंजाब में किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो मेंटेन रहे। आपके लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।